सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दो ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता अविनाश, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषि इज वर्ल्ड। आई होप गाइस आप सब होंगे बहुत बेहतरीन, रख रहे अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस आज हम लेके आगे बहुत ही जबरदस्त गाने के ऊपर रिएक्शन लेके। तो टोनी कक्कड़ का नया गाना आ रहा है और टोनी कक्कड़ ने गाना आजकल में ही लॉन्च किया, तो इस गाने के ऊपर मम्मी हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। गाने का नाम होने वाला है जिंदगी बता दे। यस, तो इस गाने के नाम से तो मुझे लग रहा है कि टोनी कक्कड़ ने इस बार कोई सैड सॉन्ग गाया होगा, क्योंकि जिंदगी बता दे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी से कुछ पूछना चाह रहे हैं, लोगों को बताना चाह रहे हैं कि क्या जिंदगी के अंदर चल रहा है अप एंड डाउन। तो मुझे ऐसी सी वाइब्स आ रही है। तो देखते हैं कि टोनी कक्कड़ ने कैसा एक गाना गाया होगा जिसको लोग देख के इंजॉय करेंगे। और मैं कहता हूँ कि बहुत लोग हैं जो कि इनके गानों पर रिएक्शन भी देते हैं, बहुत लोग हैं जो इनके गाने सुनते भी हैं, इनको ट्रोल भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार किसी को ट्रोल नहीं करना चाहिए। दो चीज़ें होती है जिंदगी में, एक अच्छी और एक बुरी। हमारा काम है बोलना। अगर कोई चीज़ आपको बेकार लग रही है तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से भी बोल सकते हो, और हकीकत में अगर आप उसको बेकार बोल रहे हो तो वो भी बहुत गलत बात है। हमें नहीं पता होता उसके पीछे सामने वाले इंसान की कितनी मेहनत, कितना पैसा लगा हुआ है। तो हम एक अपना फीडबैक देंगे, हमें गाना कैसा लगा। गाना बेकार नहीं कहूँगा, गाना एवरेज लगा है, गाना बहुत अच्छा लगा। बेकार कभी कोई चीज़ नहीं होती। एक अच्छी चीज़ भी आपको कुछ सिखाती है और बुरी चीज़ भी आपको बहुत कुछ सिखाती है। तो मैं गाने पे फोकस करना चाहूँगा। टोनी कक्कड़ मुझे अच्छे लगते हैं, इनके गानों से वाइब्स आती है और इनकी रैमिंग है, मज़ा आता है मुझे इनका गाना सुनने में। तो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ भाई कि इस गाने को पहले देखता हूँ, फिर मैं रिव्यू देता हूँ मुझे कैसा लगा। मैं तो एक ही बात कहूँगी, कभी किसी चीज़ को बेकार नहीं कहना चाहिए। हर इंसान को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और जब तक कोई पेट से तो सिंगर बन के पैदा नहीं होता है, और उसको हम धीरे धीरे ही सिखाते हैं, हम लोग ही सिखाते हैं। मम्मी लोगों ने ना बेसिकली मेहनत ही देखी होती है। देखो टोनी कक्कड़ को तो हमारे घर के पास ही रहते थे, उनके बहुत सारे सपने मम्मी जागरणों में बैक सिंगिंग में गाना गाए, तो आज अपनी मेहनत पे इतना आगे है, अपनी बहनों के साथ आगे बढ़ा, उनको आगे बढ़ाया, तब खुद आगे बढ़ा। बहुत सारी चीज होती है, लोगों को उनकी मेहनत का नहीं पता होता, उनके सपनों का नहीं पता होता, और उसके माँ बाप के अरमान कितने होते हैं। अरमानों को देखो, उनके सपनों को देखो, उनकी हिम्मत को देखो, उनकी काबिलियत को देखो। हिम्मत भी तो है इतने लोगों में खड़े होकर गाना, कोई कम बात नहीं होती है। किसी से भी कोई बात करने को कम बात नहीं होती। कोई एक इंसान से बात करने के लिए भी बहुत हिम्मत जुटाता है, और यहाँ इतनी पब्लिक के बीच में बात करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी हिम्मत है। और उसको हिम्मत को उत्साहित करो, उसे प्रेरित करो कि वो आगे बढ़े, ना कि उसको ऐसे हम टांग पड़ के खींचते थे कि वो बिल्कुल नीचे गिर जाए और बिल्कुल समतल लेट जाए बिल्कुल। तो अभी गाना देखें बिल्कुल पहले। हाँ, गाना देखें पहले। तो आपको कैसे लगते हैं वैसे टोनी? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं हर उस इंसान के साथ हूँ जो कोशिश कर रहा आगे बढ़े। यस, बिल्कुल, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती जिंदगी में। जब तक आपको ट्राई नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो आज की सलाह ये है, जिंदगी में अच्छा करते चलो, ये मत सोचो कब मिलेगा, मिलेगा जरूर जब तक आप मेहनत करते रहोगे। तो सबसे पहले इस गाने पे चलते हैं, फिर हम बताते हैं कि हमें इनका गाना कैसा लगा। सबसे पहले बता देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए और आपने नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ का नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करने, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो चले मम्मी, चलो जी स्टार्ट। देखो आगे कदम बढ़ रहा ना। टोनी कक्कड़। जिंदगी बता दे क्यों तू खफा है, सांसें ही तो ले रहा हूँ, ये भी क्या गुनाह। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी बता दे क्यों तू खफा है, सांसें ही तो ले रहा हूँ, ये भी क्या गुनाह। अपने भी अपने नहीं है क्यों, मेरे सपने नहीं है, नहीं है क्यों, मुझे खुद से उम्मीदें हैं ना जाने क्यों, लोगों से उम्मीदें नहीं है क्यों, मेरी बर्बादी चाहत सारों की थी, एक फहरिस्त लंबी रिश्तेदारों की थी, मुझे एक शख्स अपना नहीं क्यों दिखा, कल महफिल में भीड़ हजारों की थी। चलती है, हो गई मोहब्बत ये मेरी ही गलती है, अपनों को खोने का डर नहीं किसी को, दुनिया है बाबू पैसे से डरती है, दिखता है नुकसान दिखता नफा है, पैसों से बिकती है बिकती वफा है, हर चीज का मोल होता यहाँ पे, लाखों रुपए की एक एक अदा है। नाइस यार, नाइस। टोनी का
हकीकत या फसाना है। क्या बात है, क्या बात है। जाना है, जाना है, जाना है। जिंदगी हकीकत या फसाना है। क्या है। जिंदगी बता दे क्यों तू खफा है, सांसे ही तो रियली नाइस यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या गुनाह है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीरियसली मैं तो यही बात कहूँगी कि इतने प्यारे लिरिक्स लिखे थे, इतने प्यारे लिरिक्स लिखे थे। और जो लोग कहते हैं कि अच्छे नहीं है, एक बार लिख के देखो तो पता चले, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसको गौर से सुनो तो आपको पता चलेगा कि उसने क्या बोला है कि जिंदगी तो बता दे तू क्यों खफा है, सांसें ही तो ले रहा हूँ मैं, तू क्यों खफा है। बताओ कितना खूबसूरत, सांसों का भी मोल लग रहा है वहाँ पर। और देखो सांसों के लिए ही बोल रहा है, मेरे को तो इतनी जबरदस्त, इतना प्यारा उसने लिखा है कि वाकई में उसके जोड़ कितने प्यारे हैं। और कितना बहुत सबसे बड़ी बात, मैं गाने के लिए तो बाद में कहूंगी, पहले लिखने की बात कहूंगी कि लिखने का जोड़ कितना प्यारा है। और उतने इतने अच्छे ढंग से उसने लिखा और उतने अच्छे ढंग से उसने गाया भी है। और मुझे तो ये गाना बहुत जबरदस्त लगा, पर इसको गौर से सुनोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि वाकई में उसने कुछ लिखा है। कलम में दम है भाई, कलम में दम है उसके। और अगर हम हौसला अफजाई करेंगे तो उसकी कलम में और भी निखार आएगा। और हमारा फर्ज है इस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें कि हाँ बहुत अच्छा बोला तुमने। तो यार गाइज आपको बेसिकली बता देता हूँ, टोनी कक्कर ने बहुत बढ़िया गाना गाया है। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इस गाने को बेकार कह सकता है। बेसिकली एक मैं कह सकता हूँ डिप्रेशन, एंजाइटी और अपनी ज़िंदगी से परेशान हो के हकीकत बयां करनी बहुत बड़ी बात होती है कि ये फैक्ट है। वो कहते हैं कि वैसे तो कहने को हजारों करोड़ों लोग हैं, बट जब मैं प्रॉब्लम में आता हूँ तो मेरे साथ क्यों कोई नहीं खड़ा होता, तब मैं गिनती के लोग देखता हूँ। और यही दुनियादारी है। और बीच में एक लाइन मुझे बहुत शानदार लगी थी कि यहाँ पे एक एक अदा करोड़ों लाखों रुपये की है। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या समझा चाह रहे हैं कि कुछ भी हो रहा है लाइफ में, कुछ भी चल रहा है, दिखावे की दुनिया है, आपके साथ भीड़ में बहुत हजारों लोग हैं, बट आपको जरूरत पे आपके साथ कोई नहीं आता। और ये दुनिया की सच्चाई है। आप कभी किसी के सहारे से चलने की कोशिश करोगे तो आप जरूर गिरोगे, जब तक आप अपने मन में नहीं ये ठानोगे कि मैं पैदल चलूंगा, गिरूंगा तो मुझे भी संभालना अपने आप को ही है, आप कभी नहीं गिरोगे। तो बहुत बढ़िया गाना, कलम में दम, कीप इट अप टोनी भाई, बहुत शानदार गाना लिखा है। और मुझे तो इनके गाने पहले भी बहुत अच्छे लगते थे, बट ये गाना बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जाके अच्छा लिखा है इन्होंने। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लिखा है। और मुझे लगता है कि इन्होंने इस गाने के अंदर रैप करने की भी कोशिश करी है एक छोटी सी वे में, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके गाने का अंदाज पहले से बहुत अलग है। आप कहते हो कि डांसिंग गाने लिखता है ये, क्या नाम है, ये बंदा राइमिंग सॉन्ग लिखता है। इस बंदे ने एक्चुअलिटी में आज एक ऐसा सॉन्ग लिखा है, मुझे ना डीनो जेम्स वाली फील आ गई थी। जो हमने डीनो जेम्स का गाना सुना था, उनके गाने में भी ऐसे ही लिरिक्स और ऐसे ही लाइन चलती है सॉन्ग की। तो बहुत बढ़िया है, मेरी तरफ से बहुत शानदार गाना, बहुत बढ़िया रिव्यू और 100 to 100 नंबर। कीप इट अप टोनी कक्कड़, और मुझे बहुत बढ़िया लगा। बस आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जिंदगी में कभी पीछे नहीं देखना, और आगे बढ़ के कभी भी किसी को नीचे मत दिखाओ, आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। आई होप गाइज आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा हो। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा देना, से क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और आप चाहते हो मैं आपके बताए हुए गानों पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहीं से देखिए हम आपके गाने वीडियो के ऊपर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।